अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की खिली खिली सी मज़ेदार सी एक रेसिपी, जो बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से बन जाएगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम्स भिंडी ली है मैंने, उसको वॉश करके और अच्छे से सुखा कर ऐसे काट लिया है मैंने इसको। 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, उनको स्लाइसिस में काट लिया है। 1 टीस्पून यहाँ मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स ली हैं और 1 ही टीस्पून मैंने सॉल्ट का लिया है। 1 टेबल टीस्पून ही मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। 4-5 हरी मिर्च ली हैं, उनको भी काट ली हैं। और ये लिया है मैंने लेमन। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन के तैयार होगी और बहुत अच्छी मज़े से खाई जाती है सभी घरों में और बहुत जल्दी बन जाएगी ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, ये जो भिंडी हम बनाते हैं इसमें एक लेस चिपचिपापन जो निकलता है वो अच्छा नहीं दिखता। तो उसके लिए मैं एक आपको ये ट्रिक बताती हूँ, इसको हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे भिंडी को। और ये देखिए, ये इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें एक लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे अच्छे से। ये पूरा अच्छे से, इसके लेमन के बीज मैंने निकाल दिए थे। इसके इसके बीज वैसे भी टेस्ट में अच्छे नहीं होते और हार्मफुल भी होते हैं। तो ये हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से लेमन जूस को और भिंडी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से करके मिक्स करके। इसमें इससे जो ये भिंडी में चिपचिपापन होता है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी ज़ायक़ेदार। और ये बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाएंगे हम ताकि इसके बीज ना निकलने पाएँ उसके। ये मिलाकर हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और फिर उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है, हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे। बस ज़ीरा चटकेगा हमारा, इतने हम वेट करेंगे। ज़ीरा चटकने तक हम यहाँ पर वेट करेंगे और हम फिर उसमें अपनी प्याज डाल देंगे। प्याज हमें ब्राउन होने तक फ्राई करनी है, मुस्तकिल चलाते रहेंगे और प्याज अपनी ब्राउन करेंगे। ये प्याज हमारी मुलायम होनी शुरू हो गई है। ये देखिए, प्याज ने कलर अपना चेंज कर दिया है, ये पिंक हो गई है। मगर हमें अभी थोड़ी और ब्राउन करना है इसको, अभी हम इसका थोड़ा और वेट करेंगे और थोड़ा और फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारी प्याज ब्राउन होनी शुरू हो गई है। 1 मिनट तक हम और देखेंगे। बस ये देखिए, बहुत अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है प्याज ब्राउन होने की। ये थोड़ी सी और ब्राउन हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे अपनी। बस हम यहाँ पर अब अपनी भिंडी ऐड कर देंगे इसमें। भिंडी को ज़्यादा चलाना नहीं होता क्योंकि भिंडी बहुत सॉफ्ट सब्ज़ी होती है, इसको बस बहुत हल्के हाथ से मिलाना होता है, मिक्स करना होता है बहुत हल्के हाथ से।
इसको हम तेल और प्याज में थोड़े सा 1 मिनट के लिए सिर्फ फ्राई करेंगे। तो ये हमारी प्याज और भिंडी तेल में फ्राई हो गई हैं। अब हम इसके अंदर अपने बाकी के मसाले और मिर्च मिलाएंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, हल्के हाथ से, बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको, मसालों को और अपने भिंडियों को। ये देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी के डालकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और मीडियम अपनी लो ही रखेंगे, फ्लेम अपनी लो ही रखेंगे और इसको 10 मिनट बाद हम खोल कर देखेंगे, फिर देखते हैं हमारी सब्ज़ी कैसी हुई है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, हम इसको खोल कर एक बार चला कर देखते हैं भिंडियाँ हमारी गली हैं या नहीं गली हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए भिंडी को देखेंगे हम कि ये गली है या नहीं। हमारी भिंडी अभी टेंडर नहीं हुई है, अभी थोड़ी कसर बाकी है। अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और लो फ्लेम पर ही और पकाएंगे और कुक करेंगे। ये देखिए 3 मिनट और हो गए हैं, हम इसको दोबारा से खोल कर देखते हैं। 3 मिनट इसको पकते हुए और हो गए हैं। ये देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है, भिंडी हमारी टेंडर हो चुकी हैं। अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे और फिर हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो चलिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हुई है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है इसमें। तो चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए सब्ज़ी बिल्कुल खिली खिली बनी है आम तौर पे, वरना तो इसमें जो भिंडी में एक चिपचिपापन होता है उससे सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी ना दिखाई देती है ना अच्छी लगती है खाने में भी। ये इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपने मेरी रेसिपी से अपने घर में ये मेरी रेसिपी बनाई है या नहीं बनाई है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।